मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई मैं गेमिंग करता हूँ, बजट की कोई टेंशन नहीं, कूलिंग पैड बता बहुत ही बढ़िया सा जिसमें एल्यूमिनियम फिनिश हो और बहुत ही बढ़िया लुक्स हो, एक ही फैन हो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई मैंने उसको बताया प्रोफेसी का गेमिंग कूलिंग पैड जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका फुल रिव्यू करेंगे, इसका GTA 5 का गेमिंग टेस्ट भी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर रहे हैं। भाई इसका बॉक्स देखो, व्हाइट कलर का बहुत ही अच्छा बॉक्स मेरे को लग रहा है। ठीक है, पीछे कुछ स्पेक्स और चीज़ें लिखी, हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करके देखते हैं भाई इसके अंदर से क्या निकलता है। सबसे पहले भाई कूलिंग पैड निकल रहा है, इसके बाद एक टाइप ए टू टाइप ए केबल है। ठीक है, एक आपकी लैपटॉप की साइड लगेगी, एक आपकी आराम से आपके लैपटॉप में लगेगी, कूलिंग पैड में लगेगी। ये हम ओपन करेंगे, देखते हैं जरा, आप सुनो जरा। ये देखो भाई, ये जो मज़ा आया है ना भाई, ये इसकी यूज़र गाइड देखने को मिलती है जो आप आराम से भाई पढ़ सकते हो। पढ़ाई लिखाई तो भाई स्कूल में नहीं करी, पर अभी कर लो थोड़ा बहुत। ठीक है, ये इसके फैंस देखने को मिलते हैं, एक ही फ़ैन देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको वही फैंस है, RGB लाइट है या नहीं आगे मैं आपको बताऊँगा। चलो अभी बता देते, भाई RGB लाइट इसमें नहीं देखने को मिलती है, बहुत ही भाई दुख की बात है, पर चलो कोई बात नहीं, इसको हम ओपन करेंगे। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर ले, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, ग्रेट खली टाइप बहुत जरूरी है। ऊपर की तरफ से एल्यूमिनियम फिनिश के साथ आता है, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। नीचे की तरफ थोड़ा सा प्लास्टिक यूज है, यहाँ प्रोफेसी का लोगो दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका लैपटॉप टिकाने में मदद करेगा, पर ये भी थोड़ा सा टाइट है और खोलने में दिक्कत देता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था इनको। और पर अंदर की तरफ एक ही फैन देखने को मिलता है, कोई RGB लाइट देखने को नहीं मिलती है। RGB लाइट भी होनी चाहिए थी, क्योंकि भाई 1800-1900 रुपीज़ का एक कूलिंग पैड है, उस हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग है। पर भाई टेम्परेचर अच्छे डाउन करता है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, GTA 5 खेलने वाले तब देखेंगे। ऊपर की तरफ आपको दो USB पोर्ट देखने को मिलेंगे, एक मोड डायल देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आप कूलिंग पैड के फैंस की हवा भाई बहुत अच्छे से ले सकते हो। ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। आज जैसे इसको पीछे से खोलोगे, आपको एडजस्टेबल स्टैंड देखने को मिलता है, अपने लेवल के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अलग अलग एडजस्टेबल लेवल्स हैं आपके लिए, जो भाई ऑफिस में यूज़ करना हो आपको, वैसे तो सब गेमिंग के टाइम ही यूज़ करेंगे, पर ये थोड़ा प्रोफेशनल लुक के साथ आता है। ठीक है, जो प्रोफेशनल वर्क में लोगों को भाई कूलिंग पैड चाहिए, उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है मेरे हिसाब से, एज़ कम्पेयर टू जो गेमिंग है, क्योंकि और गेमिंग में और सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उनका, नहीं तो आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करते हैं फ्री गिव अवे की, अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, मिस्टर टेक एनालिसिस, और अपने चार दोस्तों से, अपने घर वालों से, किसी से भी सब्सक्राइब करा सकते हो चैनल को। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप है मिस्टर टेक एनालिसिस का एक इंस्टाग्राम पे पेज भी है, उसको आपको फॉलो करना है और अपने चार दोस्तों के साथ शेयर करना है। इस वीडियो पे आपको कमेंट करना है और एक ही कमेंट करना है, क्योंकि ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं कमेंट्स में पिक करूंगा विनर भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, दोस्ती यारी बनी रहेगी। एक ही कमेंट करना कोई भी अच्छा था, कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। पूरे एक महीने बाद इसका मैं विनर अनाउंस करूंगा, तो उसके लिए वेट करना। तो भाई अब हमने GTA 5 का गेमिंग टेस्ट स्टार्ट कर दिया। भाई FPS पे ज्यादा ध्यान मत देना, वो थोड़ा FPS में दिक्कत हो गई थी, पर भाई अब CPU टेम्परेचर देखो 66 के अराउंड है। ये अगर मैं आपको पहले दिखाऊंगा 80 के अराउंड, 82 के अराउंड ज्यादा था भाई। लैपटॉप का कूलिंग पैड यूज करने के बाद भाई इतने भाई ठंडा ठंडा कूल कूल, MS धोनी की तरह बिल्कुल हो गया है। 63-65 के अराउंड है टेम्परेचर, आगे जाके 70 भी चला जाएगा। देखो 70 चला गया ना, ठीक है, पर मेरे को कार पसंद नहीं आ रही तो मैंने कार बदल ली, और गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कर लेना है, उसका ध्यान रखना। 69 के अराउंड टेम्परेचर है, 70 के अराउंड टेम्परेचर आ जाते हैं। ठीक है, और ये 80-82 से कोई गेमिंग कूलिंग पैड लेना चाहिए या नहीं। भाई 1800-1900 रुपीज़ के हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस गेमिंग कूलिंग पैड है, मैं आपको बता सकता हूँ। पर इसकी कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा एल्यूमिनियम फिनिश के साथ आता है, जो इसके फैंस की नॉइज़ है वो भाई बिल्कुल नॉइज़ है ही नहीं। पैट कमिंस ने जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में भाई सबको शांत कर दिया था, ऐसा रखने 277 रन मार दिए तब शांत कर दिया भाई। ठीक है, हार्दिक पांड्या को करना भी चाहिए भाई उसको। ऐसी भाई इसके साइलेंट फैंस है बिल्कुल, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये चल भी रहे हैं नहीं भी चल रहे हैं, बहुत ही साइलेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। बिल्ड क्वालिटी भाई ऊपर से मेरे को अच्छी लगी, थोड़ी सी इसकी बेटर हो सकती थी, थोड़ा सा प्लास्टिक मटेरियल बेटर हो सकता था, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपको प्रोफेशनल लुक के लिए, थोड़ा ऑफिस के लिए अगर कूलिंग पैड चाहिए, तो भाई आप ये 110% 1900 रुपीज़ का कूलिंग पैड ले सकते हो। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गेमिंग के लिए कोई और आप प्रेफर कर सकते हो, नहीं तो आपको ये अच्छा लग रहा तो आप ये भी ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी बहुत ही बढ़िया नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।